ये दो डिफिनेशन पहले आप पढ़ चुके हो। This meeting is being recorded. सर पॉइंट नंबर वन लिखा हो ना। ओके, ये दो डेफिनेशन हम लोगों ने पहले देखे हुए हैं, राइट। SP upon PM is equal to E lies between 0 to 1. And first is the equation. Right? Ellipse ki. Ek third definition jo ellipse ki hoti hai. Third one. PA plus PB is equal to constant like 2A, right? And AB is equal to 2C, right? Where C less than A, right? Ye given hai, then you have to find means. Question is something like this. Point A is minus C comma 0. Point B is C comma 0. P is a variable point such that PA plus PB is equal to 2A, where A greater than C, right? Find लोकस ऑफ पॉइंट पी। ये भी एक डेफिनेशन है एंड वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, राइट। मैं आपको कुछ चांस दूंगा कि एक बार ट्राई करें, फिर मैं करता हूं, राइट। क्या लोकस आएगा जल्दी से आप बताएं। सर पॉइंट बी क्या लिखा है? C कॉमा जीरो। ठीक है।
आप लोगों ने शायद स्ट्रेट लाइन में, आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन में ये क्वेश्चन किया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Write down the equation, Vaishnavi. Write down the equation.
टू आपके पास टू टू कैंसिल, टू सी एक्स बाई ए आ गया। यहां तक नोट कर ले पहले, फिर आगे बढ़ूंगा। एक मेरे पास सिस है और एक लेट से स्ट्रक्चर मेरे पास ट्रांस है। सर वो 4CX कैसे आया? सर फिर करके देखो बेटा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करके स्विफ्ट में देखो, पीए स्क्वायर मतलब ये पीए था, इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, ये पी बी था, इसका स्क्वायर करके दोनों को माइनस किया है, देखो तो क्या आता है। हाँ सर, फोर सी एक्स। हाँ Very good. So this PA minus PB and PA plus PB. So दो इक्वेशन आपके पास आ गया। The first
PA plus PB कांस्टेंट रहेगा, ये पाथ जो बन रहा है यही पाथ है जो आपको दिखाई दे रहा है, राइट? ये पैराबोला बन रहा है, राइट? इलिप्स बन रहा है, ठीक है? This is the case of ellipse, right? ऐसा मूव करेगा जिस समय ये हमेशा कांस्टेंट आएगा, कौन कांस्टेंट आएगा? PA plus PB, ये P है, ये A था, ये B है, PA plus PB is equal to 2A. Right? PA plus PB is equal to 2A. Right? Sir, ये move कैसे कर? Yes, बेटा. Sir, आपने A को minus C comma 0 दिया था ना? कोई बात नहीं बेटा. A भी तो आपके point है ना? ऐसा रख लो आप. Okay, sir. राइट अब यहां पर ये पॉइंट जब यहां पहुंच जाती है तो ध्यान से देखो, यही सी है, राइट? ये वाली लेंथ है जो यही बी हो जाती है, राइट? ये लेंथ बी जो यहां पर दिया हुआ है, राइट? क्योंकि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, मतलब ये लेंथ ए हो गई, राइट? ये क्लियर होगा सभी को, राइट? ये मूव करते हुए पॉइंट अगर यहां पर पहुंच गया है तो ये बी हो गया है, राइट? ये का मतलब है ये, राइट? ये सी है, राइट? तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होने का मतलब है ये कुछ ऐसा, राइट? ये इलिप्स का शेप है और ऐसा दिख रहा है. Hope everyone is getting this. तो सर PA और PB हमेशा मूव करता रहता है. सर आपने बोला सर वो मूव करता ना सर जो अपने ग्रीन पार्ट ड्रॉ किया है. मैं नहीं समझा बेटा, एक बार फिर से. सर आपने जो PA और PB सर जो ग्रीन से बनाया सर. तो सर वो मूव करता है ना सर, आपने बताया था. फिर इट्स पॉइंट दिया हुआ ना, सी कॉमा जीरो माइनस सी कॉमा जीरो पी मूविंग पॉइंट है, द कंडीशन पी ए प्लस पी बी इक्वल टू टू. अच्छा ओके सर, पी मूविंग पॉइंट हमने नोट कर लिया. सर एक सेकंड, सर वो माइनस ए कॉमा जीरो वो वर्टेक्स पे है. हाँ बेटा वर्टेक्स, अभी टर्मिनोलॉजी बताऊंगा सबके. हाँ सर हो गया. कोई भी फिगर का कोई प्रॉपर डेफिनेशन होता है कि नहीं? क्या चीज फिर से पूछें एक बार? मतलब सर नहीं सर, ऐसे एक बहुत रैंडम सा डाउट आ रहा था मेरे को कि मतलब कोई, मतलब कोई भी अगर हम लोग कोनिक बना रहे हैं उसके चार पांच एक साथ डेफिनेशन है तो कोई भी प्रॉपर डेफिनेशन है कि नहीं? जैसे पैराबोला में भी एंड एंड में हम लोग ने लगभग दो तीन नए कर लिए थे, तो फिर करेक्ट कौन सा रहेगा सर वैसे? अरे तेरा घर का नाम क्या है? अरे नहीं सर वैसे नहीं सर, सर नहीं डाउट इसलिए आ जाता क्योंकि सर सर्कल का तो दो दो हो सकता है ना ऐसे डेफिनेशन, मतलब एलिप्स के हिसाब से वैसे सोच रहा था मैं. मैं तेरे से पूछ रहा हूँ घर का नाम वाम कुछ रखा हुआ है ऐसे ही कुछ रखा है? नहीं सर घर का नाम नहीं है, है. कुछ तो है, कुछ तो है. मम्मी कुछ बोलती होगी, पापा कुछ बोलते होंगे, नहीं? सिंह निवास बोल लो सर अब. बोलने का क्या मतलब है उसको समझो, इसकी अंदर की बात को समझो. कितना भी नाम से तेरे को अलग से पुकारो, आदमी तो तू वही है ना. हाँ प्यार से मैं शाहरुख खान बोलूं, राइट? या बोलूं
या राजकुमार बोल लू बट बट क्या सेम पर्सन. तो अगर मैं हरेक मान लो 10 डेफिनेशन दिया लग रहा है, तो 10 डेफिनेशन किसका दिया, पैराबोला का दिया, तो हरेक अपने आप में कंप्लीट डेफिनेशन राइट. मतलब आपका फर्स्ट डेफिनेशन जो था आज जो हमने स्टार्ट किया, अगर ये अपने आप में कंप्लीट है. हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम है जो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, इनिशियल लेवल पर कंफ्यूजन होगा. ये या तो इलिप्स देगा या नल देगा. इसमें ऐसा भी हो सकता है कुछ बने ही ना, राइट. सेकंड, ये भी अपने आप में एक कंप्लीट डेफिनेशन है, बट इसमें क्योंकि ए लाइन पा सकता है, इसमें भी एक फ्लॉ है. क्या फ्लॉ है? इसका फ्लॉ ये है कि अगर एस जो है वो जेडम में हो गया तो ये इलिप्स नहीं बना रहा होगा. जो फिक्स पॉइंट है अगर वो फिक्स लाइन पर हो गया तो वो इलिप्स नहीं बना रहा होगा. राइट नाउ ये आपके पास कंडीशन है, लेकिन ये भी तभी है जब ए बी का लेंथ जो है राइट 2a से लेस होगा, नहीं तो ये भी नहीं होगा. मतलब है सबके सब डेफिनेशन, बट कहीं कहीं एक छोटा सा फ्लॉ होता है. वो फ्लॉ हमेशा वर्केबल होता है. ऑब्वियसली ये थोड़े से आगे की चीजें हो जाती है, तो एक साथ में अधिक चीजें बताने में ना गड़बड़ हो जाता है. राइट थोड़ा थोड़ा करके तोड़ तोड़ के बताने पे ना आपको याद करने भी आसान होता है, और बहुत परफेक्शन जाने के चक्कर में गड़बड़ भी हो जाती है. राइट बट प्योर अगर मैं डेफिनेशन दूंगा तो मैं बोलूंगा ये जो इक्वेशन आपके पास आ रहा है या तो ये इलिप्स का होगा या नल सेट होगा. राइट ये जो हमारे पास डेफिनेशन आ रहा है, ये डेफिनेशन में एस पॉइंट मस्ट नॉट बी ऑन द लाइन जेडम. ये जो मेरे पास थर्ड आ रहा है उसमें ए बी का लेंथ जो है वो 2a से लेसर होना चाहिए, तभी के लिए ये. दिस ओके राइट. सो इन तीनों से डेफिनेशन करके हमने जब फिगर बनाया तो कुछ ऐसा सा बन गया, प्यारा सा सुंदर सा एक फिगर बन गया ऐसा. राइट जिसमें जो ये ए बी जो पॉइंट था ना, राइट ए बी जो पॉइंट यहां पर आपको दिख रहा था, वो इसे हम लोग यूजुअली जो डिनोट करते हैं वो एस एंड एस प्राइम, जिसको बोलते हैं फोकाई, और जो ए ए प्राइम से करते हैं वर्टेक्स. राइट तो एक एक करके अब हम लोग आते हैं डेफिनेशन पर, क्या क्या है इनके पॉइंट्स. राइट ये रहा का फिगर, इसको छोटा कर दूं, ये हिला दिया, इसमें थोड़ा सा कुछ कुछ एस एस प्राइम ए ए प्राइम बी B prime. P is the point जिसका लोकस निकालना है H कॉमा K. Right? So, first one. Major axis. Right? Major axis. A A prime is known as major axis. Length of major axis is 2a. इसी में एक टर्म और यूज होता है, सेमी मेजर एक्सिस, वो होगा ये. राइट नोट डाउन प्लीज, ये अच्छे से फिगर बना के ना. और ये कब के केस की बात हो रही है, ये हम लोग यहां जो वर्क कर रहे हैं वो वर्किंग हो रही है आपकी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेर ए ग्रेटर देन बी है. राइट
सर वो बी और बी प्राइम पे दोनों पॉइंट्स 0 कॉमा माइनस बी और 0 कॉमा बी हैं। अभी करेंगे। ये लेंथ है वाई एक्सिस में तो वही होगा। ये नोट कर लिया सभी ने? नो सर। डन। माइनर एक्सेस के लिए वी हैव टू गो फॉर बी बी प्राइम, राइट? जो लिखा हुआ है ना बी बी प्राइम, ये होगा 0 कॉमा बी एंड 0 कॉमा माइनस बी, राइट? सेकेंड माइनर एक्सेस, राइट? बी बी प्राइम इज minor axis, length of the minor axis is 2b, right? Semi minor axis, axis is b, right? ये वाली length, ये length है जो उसी को बोलते हैं। So it doesn't have to be always a has to be greater than b, right? क्या बोलता? It's not always like compulsory. It's not a compulsion that A always has to be greater than B. A can also be less than B. So then the major axis. Done. No, sir. Minor axis b b prime, 2b is the length, semi minor axis is b. Third center of ellipse, point of intersection of major axis and minor axis is known as center. For standard ellipse, right? Its origin 0,0 होता है, right? ये जो यहां मैंने C लिखा भी है, ये वाला पॉइंट है 0,0, नोट करो इसे।
डन सर। Right, center, major and minor axis, standard ellipse, x square by a square plus y square by b square is equal to 1 is called the standard ellipse, right? तो यहाँ पर हमने ये करके रखा हुआ है ना, ये बोला जाता है standard ellipse, right? Okay. इस समय center हमारे पास जो है वो 0,0 होगा, okay? मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस। नाउ द नेक्स्ट टर्मोलॉजी के पहले मैं क्या करता हूं कि ये जो फिगर है इसको इधर ले लाता हूं, राइट। ध्यान से देखो तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है एलिप्स, ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिसिटी होने के कारण होता क्या है कि ड्यू टू द सिमेट्रिसिटी, राइट, यू कैन सी कि यहां पर दोनों तरफ से कर्व बन रहे हैं, तो यहां पर दो फोकस आ गया है, इस कारण से दो वर्टेक्स आ गया है इसी रीजन से, राइट। सो वर्टेक्स वर्टाइसेस ऑफ एलिप्स, राइट। क्या डेफिनेशन था वर्टेक्स का? एनीवन? और कोई? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एलिप्स एंड मेजर एक्सिस, ध्यान दो, ये मेजर एक्सिस है, ये एलिप्स है, दोनों का इंटरसेक्शन जहां पर हुआ तो मेजर एक्सिस मेरा एक्स एक्सिस है यहां पर, राइट। तो एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस मेरे पास है, एलिप्स का इक्वेशन था एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। वी नो दैट वाई की वैल्यू 0 हो गया एक्स एक्सिस में, वाई जैसे मैंने 0 किया तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस है, वही दिखाई दे रहा होगा आपको, राइट। यहां पर दो आपके पास है वर्टाइसेस जो है ए, दैट इज ए कॉमा 0 एंड ए प्राइम माइनस ए कॉमा 0। राइट, ओके, एक सेकंड से नहीं सर,
हाँ सर हो गया। हाँ हाँ सर वर्टेक्स सबको क्लियर। नाउ वर्टेक्स के बाद आता है फोकाई, फोसी भी बोलते हैं, फोकाई भी बोलते हैं, राइट, जैसा भी आप रखो, राइट। अब ड्यू टू द सिमेट्रिसिटी, क्योंकि दोनों तरफ से सिमेट्रिसिटी है, तो यू कैन सी कि ये जो हमारे पास है एलिप्स, ये मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस में ही ये पॉइंट आपको मिलेगा फोकाई का, राइट। मेजर एक्सिस में जो पॉइंट आपको मिल रहा है यहां पर, ये एस एंड एस प्राइम, राइट, ये सेंटर से इसका डिस्टेंस जो होता है, राइट, वो होता है ए का डिस्टेंस दोनों से, राइट। तो एस का जो पॉइंट है जिसको हम लोग सी कॉमा जीरो ले रहे थे, वो एक्चुअल में ए कॉमा जीरो है और ये है माइनस ए कॉमा जीरो, राइट। एस एंड एस प्राइम आर द फोकाई ऑफ द स्टैंडर्ड इलिप्स, राइट है, मतलब इलिप्स के लिए ही ये होता है, राइट। इलिप्स फॉर स्टैंडर्ड इलिप्स मीन्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, एस इज ए कॉमा जीरो, एस प्राइम इज माइनस ए कॉमा जीरो, राइट। सो एंड e स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। e इज नोन एज द इसेंट्रिसिटी, जानते ही हो आपको पहले भी किए हो, e की वैल्यूज ऑलवेज लाइज करेगी जीरो टू वन के लिए, ये पूरी बात हो रही है a ग्रेटर देन b के लिए, नोट डाउन। हौले हौले धीरे धीरे प्यार से पहले डेफिनेशन और सब चीजों को समझे, आगे कहानी भी हो जाएगी, बट विद द बेसिक्स। Done everyone. So, एक मिनट।
डन राइट फोकाई हो गया सभी का ए कॉमा जीरो माइनस ए कॉमा जीरो राइट एस एस प्राइम का लेंथ है टू ए राइट ये यहां पर अब दिखा सकता हूं मैं ये यहां पर बी था राइट ये यहां पर सी था और ये हमने लिया था ए राइट यहां आप बोल सकते हो ये बी है ये सी है ये लेंथ हमारा ए है ये बी है ये ए ई है राइट ओके डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई इज एस एस प्राइम नेक्स्ट डायरेक्ट्रिक्स याद करो डायरेक्ट्रिक्स क्या था फिक्स्ड लाइन राइट फिक्स्ड लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स बनाया था ये भी ड्यू टू सिमेट्रिसिटी आपको दो दो डायरेक्ट्रिक्स मिलेगा राइट दो दो डायरेक्ट मैट्रिक्स आपको मिलेंगे एंड डिस्टेंस जो होगी इसकी फ्रॉम द सेंटर सी सी जेड एंड सी जेड प्राइम ये डिस्टेंस जो होती है कोई भी एक तरफ का आप डिस्टेंस लोगे दैट्स ए बाई ई राइट ये पॉइंट होगा ए बाई ई कॉमा जीरो क्योंकि ई लेस देन वन था तो ए बाई ई पे वैल्यू ए से ग्रेटर हो जाएगी एंड ये होगा माइनस ऑफ ए बाई ई कॉमा जीरो ये फोकाई है एस एन एस प्राइम राइट तो एक एक सेकेंड के ऊपर कर सकते हैं आप हाँ सर थैंक यू सर डायरेक्ट्रिक्स भी नोट कर लेना प्लीज सर ये दोनों डायरेक्ट्रिक्स है लेफ्ट राइट दोनों हाँ बेटा अभी बताया ना सिमेट्रिक होने के कारण दो दो डायरेक्ट्रिक्स दो दो फोकस होते हैं हाँ सर एस एस दो फोकस थे वैसे ही दो डायरेक्ट्रिक्स होंगे जेड एंड जेड प्राइम और सर वो एक्स एक्सिस का है क्या एक्स एक्सिस का पॉइंट जो है ना नहीं सर वो स्टैंडर्ड एक्सिस लिखा है ना वो तो एस एस प्राइम का लेंथ है ना वही बोल रहे हो ना सर वो Z पॉइंट के ऊपर आपने क्या लिखा है A by E अच्छा A by E सॉरी सर लेंथ यहां से यहां तक की है A by E ना और उसका कोऑर्डिनेट है A by E कॉमा जीरो डायरेक्ट्रिक्स Okay, done.
Done, everyone. Awesome. Next, double ordinate. What was the definition of double ordinate? सर ये एक्सिस पे परपेंडिकुलर फोकस से पास करते हुए लाइन नहीं सर फोकाई पे परपेंडिकुलर फोकाई पे परपेंडिकुलर एक्सिस से परपेंडिकुलर और कोई एक्सिस से परपेंडिकुलर तो फोकाई से और कोई पास होने वाला स्पेशल लैटिस रेक्टम था सिर्फ वो तो लैटिस रेक्टम होता था वो पैरेलल होना चाहिए बस लैटिस रेक्टम और कोई सर परपेंडिकुलर टू एक्सिस दैट डज नॉट पास थ्रू फोकस और कोई लाइन सेगमेंट ना परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस टू द major axis that intersect the curve at two points right ki bhi zaruri hai ki intersect kare aur wo agar axis ke focus se pass kar raha hai to wo bhi hai case right wo bhi case hai wo samay lattice rectum ho jayega राइट क्यू क्यू प्राइम दो आएंगे ही अपने आप में राइट अगर मैंने एक्स का कोऑर्डिनेट यहां पर फिक्स कर दिया मान लो एक्स का कोऑर्डिनेट फिक्स करके मान लो उसे एक्स वन बोल दिया तो वाई का कोऑर्डिनेट अगर ध्यान से देखो तो क्या आ रहा है बी अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर x1 माइनस बी अंडर रूट वन माइनस एक्स वन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर यहां पर x1 डालने पर y की वैल्यू जो आई है वही लिखी राइट प्लस ऊपर के लिए माइनस नीचे के लिए नोट डाउन प्लीज डबल ऑर्डिनेट सर क्यू एक्स वन लिखा है वो क्यू का हाँ एक्स का कोऑर्डिनेट एक्स वन दिया हुआ
डन एवरीवन सर. ओके डबल ऑर्डिनेट के बाद क्या आएगा आप सब जानते हो. अब लेट अस रेक्ट राइट डबल ऑर्डिनेट पासिस थ्रू द फोकस. तो डबल ऑर्डिनेट जो था अगर ये पास कर रहा है तो ध्यान से अगर आप देख पा रहे हो तो इस बार आपको लेटस रेक्टा बनेगा. रेक्टा प्लूरल के लिए यूज कर रहा हूं क्योंकि दो दो जाएंगे दो लेटस रेक्टा में सर और पॉइंट चार आएंगे इसके. राइट फोकाई से पास कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है एक्स का कोऑर्डिनेट ए ही रहेगा. तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन. राइट x की वैल्यू a ही डाल दी तो y square by b square is equal to 1 minus e square. 1 minus e square की वैल्यू b square by a square होती है तो y की वैल्यू plus minus b square by a. तो a comma b square by a comma minus b square by a. Similarly minus e comma b square by a minus a comma minus b square by a. तो length of lr जो होगा वो होगा 2b square by a. 2b square by a. Understood. Note down please. और ये चारों पॉइंट्स आपके आ गए जो भी आप नाम दे दें से. सर चारों पॉइंट को ज्वाइन करके एक स्क्वायर बनेगा ना. ध्यान से देखिए एक बार क्या 2ae की वैल्यू 2b स्क्वायर बाई ए के इक्वल होगी. वो तो सर्कल पे ही होगी. बी स्क्वायर बाई ए है बेटा सभी पॉइंट पर वही निकला ना. देखो ना बी स्क्वायर बाई ए राइट. यहाँ सर नहीं दिख रहा हो तो कर देता हूँ. ये भी ए है जितने हैं बी स्क्वायर बाई ए है हर एक जगह पर वही होगा ना ए कॉमा बी स्क्वायर बाई. सर वन बाय ई स्क्वायर बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का साथ वन माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर. यहाँ से बेटा. ओके सर. नॉट अंडरस्टैंडिंग एक बार आपको पूछना पड़ेगा जगन्नाथ किशन क्या पूछना चाह रहे हो इस पे. सर डबल ऑर्डिनेट में वो कोऑर्डिनेट्स एक बार बोल सकते हो क्या है y के. x1 कॉमा b टाइम्स अगर मैं यहाँ पर x1 रख दिया राइट इस पॉइंट पर मैंने x1 रख दिया तो y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर आ जाएगा या फिर y की वैल्यू प्लस माइनस b अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर आ जाएगा राइट. ओके थैंक यू. Done. Okay. Next.
chord of the ellipse, तो obviously कोई भी ellipse मेरे पास बना हुआ है, right? इसमें मैंने कोई भी एक लाइन लिया ये, right? That cuts at PQ, that is called the chord. Longest chord will be major axis. Yes, right? Sir. Yes, sir. And the shortest will be minor. The minor axis. Right. Any line cuts the ellipse at 2 point NQ is known as the chord. Longest chord is the major axis. Shortest chord will be the minor axis. Minor axis. Focal chord. क्या था याद करो? Passing through the focus. Okay, safety. Chord. The focus, right? Chord. Right. Sir, major axis the longest focal chord. Chord passes through the focus. Right. Focal chord. Sir, major axis is also passing through the focus, so it's also a focal chord, no? Hmm. अगर यही perpendicular हो जाएगा तो यहीं से ये मिल जाता है lattice vector, major axis के perpendicular हो जाएगा, right? और अगर parallel हो जाएगा तो वही मिल जाएगा मेरे को vertex का जो major axis है वो मिल जाएगा. और यही अगर माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट को कट कर रहा होगा तो यहां से यहां तक का लेंथ हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, राइट? फोकल फोकल डिस्टेंस. क्या डेफिनेशन था फोकल डिस्टेंस का? बड़े आराम से अच्छे से समझने का है, ध्यान से. हाँ, एलिप्स है. क्या डेफिनेशन था? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड फोकस. डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड फोकस. फोकस ये है मेरे पास मेजर एक्सिस, दोनों तरफ ये जाएगा, राइट? हम लोगों ने पहले ही ये बात कर ली है, दो दो, दो फोकस होंगे, कोई भी एक फोकस मैंने लिया और ये पॉइंट लिया एच कॉमा के, राइट? एच कॉमा के हमने पॉइंट लिया, राइट? अगर ये डिस्टेंस मुझे निकालना है, यू नो दैट यहां पर सेंटर है, कहीं यहां पर सेंटर है, राइट? ये डिस्टेंस मुझे निकालना है. SP इज इक्वल टू E टाइम्स ऑफ PM, यही होता है डेफिनेशन. SP बाय PM इज इक्वल टू E, ठीक है? ध्यान दो, यहां से यहां तक है डिस्टेंस. क्या डिस्टेंस था? फोकाई तक का डिस्टेंस कितना आ रहा था? A by E, right? यहां से यहां तक का कितना डिस्टेंस है? K. अरे यार कुछ भी, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना आ जाएगा? A by E minus H. ये सब लोग देख लें, किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ भी सकते हैं. तो SP का लेंथ आ जाएगा E टाइम्स A by E minus H या A minus EH.
सर फोकल कॉर्ड भी बता दो ना, वो भी बाकी लिख। क्या बेटा? सर फोकल कॉर्ड भी बताओ ना। क्या फोकल से ड्रॉ करना है सर? सर लिखना बात। फोकस से पास कर रहा कोई भी कॉर्ड जो होता है दैट्स कॉल्ड फोकल कॉर्ड। अरे सर लिखना बात ड्रॉ करना ड्रॉ सर जो रेड वाली लाइन जो वर्टिकल है वो क्या मतलब वर्टेक्स है क्या? ये बी पर कट कर रही है तो एस बी का जो लेंथ है वो ए है। ओके सी सी एस का जो लेंथ है वो ए ही है। ओके यस सर बना लिया। हाँ सर बना लिया सर। राइट तो यहां पर एक और चीज आएगा आपको, अगर दोनों तरफ से सिमेट्रिक है तो अगर मैं इसको इस तरफ भी ले जाऊं सो एस एम डैश अगर आएगा ये डिस्टेंस यहां से ए बाई ई मतलब पी एम डैश जो होगा राइट, या यहां से मैं इसको ऐसा जोड़ दू एस डैश पी की लेंथ हो जाएगी e टाइम्स a बाई ई प्लस एच जो कि ए प्लस ई एच हो गया राइट। दोनों को ऐड करके देखें जो सबसे पहले हमने शुरुआत की थी वो फॉर्मूला भी यहां से आ गया sp plus s dash p is equal to 2a। This is the definition of ellipse where s s prime is less than 2a। Not done. सर सर यस बोले आपने लास्ट क्या बोला फिर से बोल सकते हैं? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। एस पी प्लस एस डैश पी इज इक्वल टू 2a एस एस प्राइम लेस देन 2a के लिए दिस विल बी द एलिप्स है जो यहां लिखा हूं सबसे नीचे में ये, और ये दोनों को ऐड कर दिया ये जो एस पी था उसे एस डैश पी को ये दोनों को ऐड कर दिया ना। एस डैश यहां पर है फोकाई राइट ये एस है। ओके एवरीवन यस सर
residence for detached should have visit sound. पीयूष फिर से देख वीडियो चालू हो गया तेरे टाइम पास कर ले लगे सर लिख के हो गया मेरी इसके लिए अच्छा लिख के हो गया होगा हाँ हो गया सभी का हाँ हाँ सर ओके ना सो ये काफी सारी चीजें हो गई राइट इसमें हम लोगों को क्या क्या हुआ एक बार रिकैप कर रहा हूँ जल्दी से राइट स्टार्ट विथ इलिप्स का डेफिनेशन था राइट इलिप्स के पी ए प्लस पी वी टू ए से हमने स्टार्ट किया राइट उसके बाद हमने टर्मोलॉजी पर आए मेजर एक्सेस तो मेजर एक्सेस आप दिखाई दिया कि यहाँ पर मेजर एक्सेस मेरे पास ये वाली लाइन हो गई माइनर एक्सेस ये लाइन हो गया राइट फिर सेंटर ऑफ इलिप्स तो सेंटर दिखाई दे रहा है सेंटर अगर ये वाला इक्वेशन दिया रहे लोग पहले ही बात कर चुके हैं अगर ये इक्वेशन दिया हुआ और सेंटर निकालना है तो सबसे अच्छा तरीका रहेगा पार्शियल डेरिवेटिव इसका ले लेंगे एक बार विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक बार विथ रिस्पेक्ट टू वाई दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको सेंटर मिलेगा राइट अब मेजर एक्सिस हो गया माइनर एक्सिस हो गया सेंटर ऑफ द इलिप्स वो भी निकल गया हमारे पास राइट वर्टेक्स ए एंड ए प्राइम जो वर्टेक्स है ये निकल गया माइनर एक्सिस के भी पॉइंट्स हमारे पास निकल गए फोकाई एस एन एस प्राइम इज कॉल्ड द फोकाई ए कॉमा जीरो माइनस ए कॉमा जीरो ई स्क्वायर की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है राइट एंड डायरेक्ट्रिक्स राइट दोनों लेंथ बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स अगर कहूं तो टू ए बाई ई हो गया राइट डबल ऑर्डिनेट इन लाइन परपेंडिकुलर दैट्स कट्स द एलिप्स एट टू पॉइंट डबल ऑर्डिनेट अगर फोकस से पास कर गया तो वो हमें लेटस रेक्टम दे दिया राइट ई की वैल्यू पुट करने के बाद मुझे पॉइंट्स भी मिल गए पूरे कॉर्ड ऑब्वियसली यू नो बहुत बार यूज कर चुके हो कॉर्ड राइट फोकल कॉर्ड फोकस से पास होने वाले फोकल कॉर्ड हो गए फोकल डिस्टेंस इतना डिस्टेंस जो होता है फोकल डिस्टेंस आपको यूज कभी भी डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं करना है राइट ये पूरा डिस्टेंस आपके पास आना चाहिए राइट वहां से राइट वैसे भी दिखाई दे रहा है यहां से यहां दोनों के डिस्टेंस के साथ में राइट ओके तो ये पूरी कहानी कब के लिए हुई जब ए ग्रेटर देन बी था तो ऑब्वियस ही बात है जब बी ग्रेटर देन ए होगा तो ये पूरी चीजें चेंज हो जाएगी और इलिप्स बनेगा कुछ ऐसा राइट एंड उस समय राइट इलिप्स बनेगा कुछ ऐसा और उस समय आपके पास मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस चेंज हो गए होंगे राइट ये जीरो कॉमा बी जीरो कॉमा माइनस बी फोकाई यहां पर है आपके पास जीरो कॉमा बी जीरो कॉमा माइनस बी ये ए कॉमा जीरो है ये माइनस ए कॉमा जीरो है राइट ये जीरो कॉमा बी बाई ई है यहां भी जीरो कॉमा माइनस बी बाई ई है राइट ये सेंटर है जो जीरो कॉमा जीरो है ई स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा लेट अस रेक्टम के एंड पॉइंट ए स्क्वायर बाई बी कॉमा बी एंड सो ऑन राइट इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा जैसा इक्वेशन आपको दिख रहा है देखने में वैसा ही रहेगा बस इसमें ए ग्रेटर देन लेस देन जैसे हुआ तो रिवर्स हो गई पूरी की पूरी कहानी आपकी होप एवरीवन इज गेटिंग दिस तो बी के बाजू में क्या लिखा है बी ई के बाजू में कॉमा ए अपॉन क्या है वो ए स्क्वायर बाय बी कॉमा बी लेट अस रेक्टम के एंड पॉइंट इस केस में बी ग्रेटर देन ए सर ए स्क्वायर बाय बी है सर एक मिनट आप लेटेस्ट एक्टिंग के पार्ट पे स्क्रॉल अप करो ना कौन सा ये पहले जो किया था उसपे हाँ सर हाँ बेटा ओके सर थैंक यू सर
हाँ सर हो गया, ये भी हो गया क्या? नहीं सर बाकी पूरा। टेक योर टाइम सर। वो ए एल बाई बी कॉमा बी किसके लिए? इसका बेटा टू, वो सर आपने लिखा है ना सर, ए एल बाई बी कॉमा बी, ए स्क्वायर बाई बी कॉमा बी, लेटर सेलेक्टम का जो राइट साइड का एंड पॉइंट आ रहा है वो, उसमें स्क्वायर बाई ए था इस बार, ए स्क्वायर बाई बी। तो e square is equal to 1 minus e square upon b square के साइड में क्या लिखा है? लेफ्ट साइड में लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट जो होगा ना, तो y का कोऑर्डिनेट b आ गया, y का कोऑर्डिनेट यहाँ b रख दूंगा, तो ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ए स्क्वायर आ गया 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई बी आएगा। तो मैंने राइट साइड में कोऑर्डिनेट लिखा, एक्स का कोऑर्डिनेट ए स्क्वायर बाई बी, राइट, ए स्क्वायर बाई बी, राइट, कॉमा बी, इधर का कोऑर्डिनेट होता तो माइनस ए स्क्वायर बाई बी कॉमा बी, राइट। तो लेंथ एल एल डैश हो जाता 2 ए स्क्वायर बाई बी, ठीक है? हाँ सर, थैंक यू। डन एवरीवन, फास्ट एंड फास्ट थोड़ा करो। हाँ हो गया सर। सबके हो गए हैं सर, बस इतना। खो गया सर। कौन खो गया सर?
मेरे जीने की इच्छा हो गई है सर। हां सर, तो जीने की इच्छा हो जग गया सर इसके अंदर। अंदर का डायलॉग वाला जग गया। हां सर, तू तो हकलाया तो है नहीं यार। किरण बकरी लग रहा है। जे बा जानता हूँ भाई। ये इलिप्स का आप सेंटर फोकस जितने भी हमने पॉइंट्स बोले हैं सबके सब पॉइंट निकालिए जल्दी से। अरे चलो सर, हमें क्या फाइंड करना है? अभी जितना कुछ आपने लिखा बेटा, जितना कुछ आपने पढ़ा सब चीज। ओके सर। स्टार्ट करें क्या? Take your time. आराम से, एकदम आराम से सब चीज लिखना। ये आधे से अधिक आपका चैप्टर यही खत्म कर देगा, राइट? ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है।
राइट एक्स इज इक्वल टू जीरो वाई इज इक्वल टू जीरो ये हो जाएगा ए ई कॉमा जीरो सबके मैंने लिख ही दिया है क्यों मैं सिंबॉलिक ए ई कॉमा जीरो लिख दूं या माइनस ए ई कॉमा जीरो लिख दूं तब भी चलेगा जीरो कॉमा बी जीरो कॉमा माइनस बी राइट एंड पॉइंट ऑफ एल आर ए ई राइट द वैल्यू ऑफ ए ई इज 2√6 कॉमा बी स्क्वायर बाई ए राइट अकॉर्डिंगली चारों पॉइंट आ गए और भी कुछ निकाला क्या दिस ओके वर्टेक्स माइनस 7,0 राइट एवरी पॉइंट ओके डन नो सर किसी को कोई कंफ्यूजन गया हो हाउ मेनी ऑफ यू गॉट ऑल राइट राइट डाउन यस इन चैट प्लीज Write them yes in chat, please. Dhruv, Devansh, Aditya, Samar, Sanya, Dhuru. Bas, Devras, Saravni, Yojit, Likhet, Ayushi, Aban. अरे अपान कहाँ है आज कुछ बोला ही नहीं तू तो यार कैसे कर रहा है हेलो सर कैसा है हाँ सर सही ये सारे आज नया सीजन आया ना गेम का कौन सा नया सीजन आया अरे आज नया सीजन आ गया गेम का सर इसलिए थोड़ा बिजी था अच्छा कौन सा गेम खेल रहा अभी सर हर गेम का एक नया सीजन आता है महीने में एक बारी दो दिन बाद वेब सीरीज ही होगी हाँ रात रात भर जगता कौन सर ये वेब सीरीज वो तो मैं ही जगता हूँ सर वो हाँ, वो चीज में तो सुबह पूरा सोता है और सर सुबह सुबह मैसेज करता है गुड मॉर्निंग कैसा है ओके हाँ सर
Done. ठीक है. हाँ सर. ना. Find equation of ellipse if foci plus minus 4, 0. Foci बोलने का मतलब हो गया एक 4, 0 है, एक minus 4, 0 है, right? And eccentricity is equal to 1/2. देखे तो सोच के क्या आएगा बाय डेफिनेशन. फिगर जरूर बनना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिगर बनाना. टू ए इज इक्वल टू 8, राइट? ए की वैल्यू आ गई 8. बी की वैल्यू 4√3 आ जाएगी, राइट? सो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - b² / a² या b² / a² इज इक्वल टू 1 - e² ई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, मतलब 3/4 तो आ ही गया ये, और ये आ गया b की वैल्यू आ गई
4 root 3, right? एंड सेंटर क्योंकि इसका 0, 0 ही आ रहा है यहां से देख सकता हूं मैं, तो सीधा लिख सकता हूं ये इक्वेशन होगा x square by a square plus y square by b square is equal to 1. x square by a square मतलब x square by 64 plus y square by 48 is equal to 1. कितने लोगों का सही रहा? हाँ 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 बोल लो जल्दी जल्दी. अरे वाह, लगता सबका ही सही हो गया. सर एक और बार बताइए. क्या थी बेटा, क्या बताऊं एक बार? सर मेरे को समझ ही नहीं आया, मतलब थोड़ा रह गया सब बीच बीच में आवाज कट रही. फोकाई दोनों दिया हुआ है तो हमने एस एस प्राइम लिख दिया, तो डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई 2ae. या आवाज आ रही मेरी? सर यस सर. 2ae की वैल्यू 8 दी हुई है, सेंटर 0, 0 हो गया, मिड पॉइंट होता है ना एस एस पॉइंट. सी सेंटर 0, 0 है, 2ae की वैल्यू 8 है, e की वैल्यू गिवन है तो a की वैल्यू निकल गई. e स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर होता है, राइट? यहां से b की वैल्यू निकल गई. इक्वेशन का फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म है क्योंकि सेंटर 0, 0 है. x square by a square plus y square by b square is equal to 1. So, a, b की वैल्यूज पुट कर दिया. ओके सर. ओके? यस सर. नाउ इफ माइनर एक्सेस subtends right angle at focus, find eccentricity e.
वेरी गुड वेरी गुड. ई जीरो यस समर्थ समर्थ. यस सर. यस सी यहां फोकस है तो ये मेरे को ये बन रहा है राइट. अब ये फोकस है तो ये पता होगा ये ए होता है, हम लोगों ने देखा था ये ए ही होता है, ये बी होता है, ये तीन है राइट. एंड यू नो दैट कि ये 90 है और ये जो होगा दोनों को सिमेट्रिक है, ए ए है ये 45 का तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा. नहीं फाइव बाई फोर हो गया ये क्लियर ना. ए ए दोनों है तो ये दोनों चले गए, 90 90 है तो ये भी 45 होगा ना. ए ए दोनों ए है तो ऑब्वियसली बात है कि आइसोसेलस ट्रायंगल बन गया. अगर ये 45 है तो मैंने कहा टेन 45 डिग्री या साइन 45 जो आपको मन है वो लगा लें. आपको सिंपल केवल ई निकालना है तो सबसे अच्छा साइन या कॉस में आप जाए तो आपको आसान पड़ेगा. तो कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या आ रही है? ए ही अपॉन सीधा आपके पास आ गया 1/2. दिस ओके. टेन में भी आप ले सकते थे, साइन में भी कॉस में भी. इजीएस्ट है कि हम कॉस जाए. ओके ये क्लियर है सभी को? यस सर. एलिप्स के मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दिए हुए हैं. क्वेश्चन नंबर फोर्टी तक आपको करना है. ओके सर. क्वेश्चन नंबर 40 होमवर्क. सर आप भेज रहे हो क्या पीडीएफ कोई? एलिप्स कब मैंने दिया आप लोगों को? नहीं सर. नहीं सर. नहीं सर. नहीं दिया इसलिए पूछ रहा हूँ. 1 to 40 ठीक है अभी भेज देता. ओके सर. ओके सर. लास्ट लेक्चर और इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग भेज देंगे प्लीज. हाँ सर भेज. थैंक यू सर. बाय सर. बाय सर. बाय सर. थैंक यू सर. बाय सर. बाय सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. बाय सर. थैंक यू सर. सर मुझे एक डाउट है आज के लेक्चर में. प्लीज सर आपने कभी कहा था क्या कि माइनर एक्सिस विल बी द शॉर्टेस्ट कॉर्ड ऑफ एन एलिप्स? सर वो शॉर्टेस्ट कैसे होगा? वो जो सपोज एक टेंजेंट है